नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। छतरपुर राजनगर के सभी स्कूलों में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य आज चलाया गया 1 घंटे का सामूहिक स्वच्छ अभियान। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाले राजनगर ब्लॉक में आज समस्त स्कूलों में सामूहिक रूप से गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 1 घंटे का श्रमदान कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम के इसी तारतम्य में राजनगर के माध्यमिक शाला क्रमांक 1 में स्वच्छता के मद्देनजर संपूर्ण स्कूल परिसर और आसपास तहसीलदार राजनगर जन्मेजय मिश्रा, सीओ राकेश शुक्ला एवं बीआरसी अतुल चतुर्वेदी के नेतृत्व में समस्त स्कूल स्टाफ, राजनगर ब्लॉक के विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों ने मिलकर 1 घंटे का श्रमदान करते हुए परिसर में स्वच्छता का कार्य किया और पूरे स्कूल परिसर को झाड़ू लगाते हुए, कचरा उठाते हुए सफाई की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजनगर तहसीलदार जन्मेजय मिश्रा के साथ सीओ राकेश शुक्ला, बीआरसी अतुल चतुर्वेदी, बीएसी पन्नालाल अहिरवार जनपद शिक्षा केंद्र राजनगर, राकेश तिवारी सीएसी राजनगर स्कूल क्रमांक 1, सुमन सिंह बीएसी राजनगर, मृगेंद्र खरे सीएसी बसारी, एमआईएस कोऑर्डिनेटर धर्मेंद्र सोनी, ब्रजेश पटेल सीएसी राजनगर और इशाक मोहम्मद सीएसी खजुराहो की गरिमामय उपस्थिति रही। महाराजपुर विधानसभा हेड चिरंजीत अहिरवार की रिपोर्ट। हुए हैं यहाँ पे, जैसा कि सभी को मालूम है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है और इस बार जो है गांधी जयंती में भी छुट्टी ना होगी, हमारे स्कूलों में सभी जगह नियमित रूप से कार्यक्रम होंगे दिन भर, जिसका विवरण आप लोगों को दे दिया गया है। और उसके 1 दिन पूर्व उनको श्रद्धांजलि देने के लिए क्या है, देश के प्रधानमंत्री का आह्वान हुआ था कि गांधी जयंती के पूर्व संध्या पर 1 घंटा श्रमदान करने का एक जो नारा बुलंद किया था और लक्ष्य दिया था, इसके तहत जो आज राजनगर के क्रमांक स्कूल माध्यमिक शाला में लगभग 130 शिक्षकों ने जो है श्रमदान किया और इसमें हमारे तहसील के तहसीलदार श्री जन्मेजय मिश्रा और सीओ जनपद पंचायत राकेश शुक्ला जी जो है शामिल हुए और हमारे ऑफिस के स्टाफ, हमारे बीएसी सीएसी और साथ में समस्त क्षेत्र और जो है प्रदेश को क्या कैसा मैसेज देना चाहेंगे सर? आज हमने देखा कि इसका असर हुआ है पब्लिक में। जैसे ही हम लोग बाहर निकले तो मोहल्ले की लोग बहुत अपने दरवाजे पर सफाई करते पाए गए और लोगों ने बोला है कि हम जो है अब इसको अभियान को चला के रहेंगे और स्वच्छता रखेंगे। कहीं ना कहीं सर देखा जाता है कि चूंकि कई जो विधानसभा या ये माननीय ब्लॉक में जो कई स्कूल हैं वो क्या आज भर के लिए ऐसा कार्यक्रम रखते हैं या आने वाले समय में इस प्रक्रिया को निरंतर आप जारी रखेंगे? देखिए क्या है कि स्कूलों में हमारे यहाँ प्यून तो होते नहीं है, आपको बता दें, शिक्षक ही रोज ही स्कूल साफ करते हैं और साथ में बच्चे भी उनका सहयोग करते हैं। और जैसा कि कई बार मीडिया में चला है कि बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है, ये कर रहे हैं ऐसा, तो माननीय हमारे जिले के न्यायप्रिय कलेक्टर सर ने बिल्कुल मीडिया वालों की मीटिंग बुला के बोला है कि इस संबंध में आप लोग न्यूज मत चलाइए कि बच्चे जो है साफ कर रहे हैं। हाँ, पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति या बच्चे से हमें सफाई नहीं करवानी है, रोटेशन में शिक्षक भी साफ कर रहे हैं, बच्चे भी साफ कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये फिर माना जाए कि माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी जो मेहनत है सफाई व्यवस्था को लेकर पूरे देश में ये साकार हो रही है, परिपूर्ण हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए ना, आपको विगत दिवसों में आपको परिणाम मिले होंगे कि जैसा पहले रहता था आज की डेट में वैसा नहीं है। लोगों की भी मानसिकता बदल रही है धीरे धीरे। पहले अगर किसी के बच्चे को अगर आप करवा रहे हैं स्कूल में तो वो फौरन शिकायत करने आ जाता था। आज की स्थिति में यह है कि बच्चे भी साफ करते हैं, टीचर भी साफ करते हैं, स्कूल सब मिलकर करते हैं। और ये जो है आज हमारे पूरे विकासखंड के 365 स्कूलों में सफाई अभियान चला है और जैसा कि आप इधर इस स्कूल में भी देख सकते हैं कि कितनी गंदगी थी और सभी ने मिलकर बिल्कुल अच्छा स्कूल का परिसर साफ किया है और सभी स्कूलों में जो है फोटोग्राफ आए हैं, सभी जगह कार्यक्रम हुए हैं और सभी जगह सफाई हुई है।